अस्सलाम वालेकुम। आज है नया दिन, जुमेरात और 6 अक्टूबर, और इस वक्त हमने रूम खाली कर दिया है और हम जा रहे हैं अल्टीस फोर्ट और बल्टीस फोर्ट पे। मैं आपको अपने रूम का भी ज़रा बाहर से व्यू दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है। होटल हमारा बड़ा अच्छा था, होटल वन के नाम से, हुंजा होटल वन। ये हम बाहर बालकोनी में आपको दिखाया हूँ। ये बाहर से इसका व्यू पूरा करीमाबाद दिखता है। यहाँ से देखें, ये पूरा बाज़ार करीमाबाद का। ये बल्टीस फोर्ट जो कि हाईएस्ट हाइट पे, ये आप पूरा बाजार देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा गांव आपको करीमाबाद यहाँ से दिखेगा। ये हमारी बराबर वाला रूम भी हमने लिया था, और ये दो रूम हमारे थे करीमाबाद में। 2 दिन का स्टे था हमारा यहाँ पर। रूम भी मुनासिब कीमत में मिल गया ऑफ सीज़न की वजह से। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा यहाँ देखें। अभी मेरे ख्याल से ये कद्दू की काश्त चल रही थी। काश्त कद्दू कितने बड़े बड़े यहाँ लगे हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे थे ये कद्दू इतने बड़े साइज़ के यहाँ हुंजा में, करीमाबाद में। चले मैं अपने रूम को अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ये रूम, ये हमारी जो रात में कॉरिडोर दिखा रहा था मैं आपको, रात में उसको दिखा नहीं, लाइट कम थी इसकी वजह से। ये है कॉरिडोर हमारा, तस्वीरें लगाई हुई है पुरानी हुंजा की, लोगों की। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है हुंजा की। आप जाएंगे हर चीज़ आपको डेकोरेट मिलेगी, दुकानें होटल्स जितने भी होंगे आपको डेकोरेट मिलेंगे। ये नीचे कल रूम हमारा नीचे था 1 दिन पहले, और हमने फिर बाद में शिफ्ट करके ऊपर शिफ्ट हो गए थे। ये देखें, ये नीचे भी हमारे उनके रूम बने हुए हैं इसी तरीके से। कल हम नीचे थे और आज हम ऊपर चले गए। ये वाला रूम था हमारा शायद कल, एक ये रूम था और एक ये वाला रूम था। सुबह 9 बजे बल्टीस फोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हम ये निकल गए पैदल पैदल। सोचा कि बाज़ार को भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि वहाँ तक आप गाड़ी में भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट पे इंसान थक जाता है। जो जो एजिड उम्र के लोग हैं वो तो नहीं जा सकते पैदल। इस वक्त ये देखें सारे, हमें नाश्ते के लिए होटल चेक कर रहा था, कोई भी होटल इस वक्त खुला हुआ नहीं था। 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजे का। इतने सारे बाज़ार इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। एक तो ऑफ सीज़न की वजह से भी काफ़ी रेस्टोरेंट दिन रात में भी बंद थे, सन्नाटा था, और अभी दिन में भी सुबह के टाइम पे भी मतलब नहीं खुले इस टाइम पे। तो हम तो होटल की तलाश में जाते हुए बल्टीस फोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था बल्टीस फोर्ट जाने के लिए जो रोड है वो काफ़ी हाइट पर है, तो आप कोशिश करें कि जो बड़ी उम्र के हैं वो गाड़ी में ही जाएं बेहतर है। बाकी यंग लड़के तो सिर्फ बाज़ार को इंजॉय करते हुए, लेकिन इस वक्त तो बाज़ार सारा बंद था, लेकिन हम भी थोड़ा घूमते फिरते नाश्ते की तलाश में होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हमने इंजॉय करते रहे। ये होटल आप चेक कर सकते हैं उनका, कितने खूबसूरत हैं इनकी डेकोरेशन। दुकानों की, होटलों की हर लिहाज से बड़ी खूबसूरत करते हैं लोग, डेकोरेट उनको अच्छा रखते हैं। शायद फॉरनर्स आते हैं इसकी वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छा ये डेकोरेट रखते हैं। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जो बल्टीस फोर्ट रास्ता है ये रोलर कच्चा इस तरह का बना हुआ है पत्थरों से, और ये रास्ता ऊपर जा रहा है। ये भी यहाँ पर भी दुकानें दोनों तरफ आपको दिखेंगी शॉपिंग के लिए अच्छी। यहाँ से तकरीबन 380 मीटर के फासले पर, लेकिन सीधी चढ़ाई है, ये मुसलसल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है आपको यहाँ से, तो आप गाड़ी में भी जा सकते हैं यहाँ से। ये देखेंगे रोड इतना साफ़ है कि आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। लोग काफ़ी ऊपर गाड़ी भी जाते हैं, लेकिन हम तो आपको पता है सिर्फ घूमने के जगह से इसको जा रहे थे ऊपर। ये बाज़ार का व्यू, ये मैं देख रहा था एक यहाँ पर ट्रिप करवाते हैं ये लोग, टूरिस्ट एडवेंचर ट्रिप वाले टूरिस्ट के लिए, तो उसके रेट लिस्ट ही वहाँ पर आप जाके इनसे बात भी कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी जा सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ पर पढ़ा था। ये ऊपर से बाज़ार का नीचे का व्यू पूरा, ये हमें एक रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पर हुंजा का ट्रेडिशनल खाना मिलता है। तो ये हम यहाँ दाल शिदादी काफ़ी मशहूर, फेमस भी है, मशहूर भी है यहाँ के लिए। ये एक मैडम है वो बना दी खाना घर का, हुंजा ही खाना। तो हमने कहा यहाँ नाश्ता करेंगे, लेकिन हमने सोचा फिर वापसी में करेंगे, पहले ऊपर से होके आ जाएँ, क्योंकि अभी सबको थके हुए थे। ऊपर पहुँचने वाली यहाँ पार्किंग होती है, पार्किंग एरिया था, तो यहाँ पर एक स्कूल भी था। तो अभी स्कूल में देखा तो उस वक्त स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, बच्चे गेम्स खेल रहे थे, तो उसको देखने के लिए हम अंदर आ गए। ये हमने
थोड़ी देर ही आए, बच्चों के साथ इंजॉय किया, देखते रहे गेम्स उनके, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ गेम्स हो रहे थे, उनका के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं, काफ़ी इज्जत देने वाले लोग हैं। ये देखें ऊपर से नीचे का बाज़ार का पूरा व्यू, छोटा सा शहर है करीमाबाद, तो ये करीमाबाद का पूरा व्यू था। ये ऊपर बच्चों का स्कूल, ये देखें बच्चों की गेम खेल रहे थे बच्चे, टीचर्स गेम करवाते हुए, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे खेलते हुए। से निकलने के बाद भी हमने टिकट लिया, वहाँ ही आपको टिकट मिलता है 600 रुपये का काउंटर पे, ये सामने काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट लेते हैं। फिर भी यहाँ से तकरीबन 100 मीटर ऊपर आपने फिर सीधी चढ़ाई चढ़नी है, ये जो कि सबसे मुश्किल मुझे लगी, बहुत बुरी तरीके से पहुँचे हम लोग, रुकते रुकते बार बार सीधी चिप चढ़ाई है, अभी चेक करें। बीच में बस ये खूबसूरत खूबसूरत घर डेकोरेट किए हुए लोगों ने अपने, ये लोकल्स के घर हैं, यहाँ देखें किस तरह इन्होंने अपने पौधे दरख्त लगाए हुए, फूल लगाए हुए, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ अपने मॉडल को। ये देखें और जो ये टिकट हम लोग लेते हैं 600 रुपये की टिकट फी पर पर्सन, ये इनके जो गाँव वाले हैं इन पर ही खर्च होते हैं, और ये जो फोर्ट की जो मेंटेनेंस होती है वो भी इन्हीं में ही होती है, तो ये लोकल अपने पे खर्च करते हैं, मतलब ये कोई मसला नहीं है। ये इसके अलावा ये देखें यहाँ ऊपर जाने के साथ ही आपको थोड़ी सी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी दिखेंगे, कैफ़े दिखेंगे थोड़े से, तो यहाँ आ गया हमारी हालत हो गई थी बुरी, इतनी सीधी ये चढ़ाई आप चेक कर सकते हैं कितनी सीधी चढ़ाई है, मुसलसल आपने चढ़ना है ये, तो अब तो मैं रिकमेंड कर दूँगा कि बंदा गाड़ी में आए तो बेहतर है, लेकिन गाड़ी में आप इस तरह की जो एडवेंचर है वो नहीं कर सकते हैं, और ना ही इस तरह के ये व्यूज़ देख सकते हैं जो हम पैदल चल के ट्रैकिंग करके कर सकते हैं। शॉप्स पे यहाँ पर देखें, यहाँ अगर लोकल सारी चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, इसी तरह डेकोरेट भी यहाँ से भी देखें, तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं हमें आपको शॉप पे शॉपिंग करने के लिए, हर चीज़ आपको अच्छी, लेकिन रेट थोड़े से हाई है, और चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। ये आप देखिए घर देखेंगे किस तरह डेकोरेट होते हैं, लोग कितने मेंटेन करते हैं अपने घरों को, सफाई सुथराई आप देखें गली के अंदर कितनी साफ़ सुथराई है, ना कहीं गंदगी है ना कुछ है, कितने साफ़ सुथरे लोग हैं हमारे, काश पूरा पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए, कितना अच्छा बना हुआ है खूबसूरत सा, गलियाँ साफ़ सुथरी, दरख्त को डेकोरेट किया हुआ है, घरों को डेकोरेट किया हुआ है, दुकानें कितनी डेकोरेट हुई हुई हैं। ये देखें शॉप्स देखें कि किस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं, ये आपको कैफे यहाँ जूस वूस भी मिल जाएंगे, आपने अगर जूस लेना है, जैम लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, मतलब हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पर। ये साफ पानी ऊपर से आते हुए तेज़ी से नीचे जाने के लिए, ये देखें ये घर किस तरह बने हुए, लकड़ी के घर बने हुए, ये घर इसकी बड़ी हिस्ट्री है। मुस्तफ़ा हुसैन टाडर साहब जब यहाँ आए थे तो वो बताते हैं कि उस वक्त शुरू 1983 में जब वो आए थे फ़र्स्ट टाइम, तो यहाँ पर वो आके थक गए थे, पानी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने इस घर को बजा के उन्होंने वहाँ से पानी दिया, तो यहाँ पर एक लेडी थी वो उनको घर भी ले गई, उनको पानी भी दिया और काफ़ी भी तवज्जो भी की गई, तो उसका जिक्र काफ़ी करते हैं इस घर के बारे में बताते हैं वो। ये देखें ऊपर बिल्कुल चढ़ाई चढ़ रही है, रास्ता बहुत लंबा है नीचे से, हमें तकरीबन कोई पौन घंटा लग गया था, पौन घंटा एक घंटा लगा था। ये छोटा सा गांव भी है, घर भी बने हुए मुसल से, और अभी रास्ते में ये किस तरह डेकोरेट हुए हैं आप ये देख सकते हैं रास्ते, ये जगह जगह आपको इस तरह के बागात मिलेंगे सेब के। ये एक कैफे था, बाग बनाया था उन्होंने, इसी के अंदर का फ्रूट काट के जूस वूस आपको बना के देंगे। ये देखें ये है गार्डन, बड़ा अच्छा बना हुआ था डेकोरेट करते हुए, काफ़ी अच्छा किया था अंदर से भी और बाहर से भी, और इनके जूसेस मिलते हैं यहाँ पर, आप फ्रेश जूस पी सकते हैं अंदर आके।
इन्हीं के फल होगा आप देंगे। ये यहाँ के देखो शॉप एक और आ गई जो ऊपर घर के डेकोरेट करें। इस वक्त ये असल में अक्टूबर का महीना है तो हम अक्टूबर के महीने में आए थे, वजह से इतनी ग्रीनरी नहीं है, इसकी वजह से ये वरना मैं एक दफ़ा जून में आया था तो काफ़ी ग्रीनरी दिखी थी हम लोगों को। ये देखें जगह जगह सेब लगे हुए हैं, फल फल लगे हुए हैं, मतलब कोई तोड़ता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लोकल शहर में अगर लगे होते तो हर चीज़ गायब हो जाए। ये ऊपर से व्यू बस पहुँच ही गया अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी हाइट पर चढ़ने के बाद आखिर बिलाखिर ये ऊपर से हम व्यू देख रहे हैं करीमाबाद का। ये पूरा करीमाबाद यहाँ से देख रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर जून में मई में आप आएंगे तो ये पूरा इतना ग्रीन दिखेगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा देखकर। यहाँ से आपको गाइड लेना पड़ता है, टिकट लेकर गाइड लेते हैं वो, फिर आपको गाइड हम अपने आपके साथ अंदर लेके जाएगा। ये हिस्ट्री है इसकी और यहाँ पे भी हिस्ट्री पढ़ लें, और इसके अलावा आपको गाइड भी पूरा अच्छी तरह गाइड करेगा जो कि आपको अपने साथ रखेगा। चले हम भी अंदर चलते हैं और भी देखते हैं। Morning, like enter ticket please with our guest for the future maintenance for this spot. Where ticket is a donation, your contribution for this spot. Thanks for your coming and thanks special for your big contribution. बात करते हैं हाफ के जी, फाइव के जी या टेन के जी। एक डेगची है, हांडी वगैरह पकाने के लिए पुराने जमाने का प्रेशर कुकर है, सैडल है, दूसरा हमारे पास कुछ वेपन्स भी हैं जो लास्ट में डिस्प्ले में रखे हुए रशियन वेपन्स हैं, रशियन से हम अपने साथ हैं। वो जो रशियन वेपन्स आए हुए हैं वो ग्रेट गेम का हिस्सा है, फिर रूम बाय रूम आपको वो भी बताते चले जाएंगे। सर का ख्याल रखेगा, दरवाजे छोटे हैं, छोटे रखने का बेसिकली एक सेल्फ इलाका है, रूम टेम्परेचर को मेनटेन रखने के खातिर दरवाजे छोटे हैं, दीवार डबल है, छत को नीचे देख रहे थे और छोटे छोटे कमरे रहते थे, दे मेंशन द रूम टेम्परेचर। सेकंड, इन दरवाजों का एक फायदामंद ये है कि उन दरवाजों से बड़ी मुश्किल से एक ही टाइम एक ही बंदा गुजर सकता है, तो दुश्मन को रोकने में काफ़ी आसानी हो सकती है। और तीसरा, कुछ ये भी कहते हैं कि कोई भी आ जाए वो एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं, उसको रिस्पेक्टेड हो। और सर जहाँ से हम टूर करने जा रहे हैं वो सेंट रोज के तवज्जो फरमाएगा। और एक चीज़ का खास ख्याल रख लेना, दीवार डबल है, दो दो दरवाजे इसके लिए मौजूद है, दोनों से एहतियात करके मुझे फॉलो कीजिएगा। इस कमरे तक जो बंद दरवाजा है यहाँ से इस कमरे में एंटर हो जाते थे। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम है, यहाँ से सिक्योरिटी विंडोज भी मौजूद है, बाहर नजर रखते थे। उससे पे प्रिंस ऑफ के है, इसके फॉर चाइना दरमियान में रखे हुए हैं, हुंजा के मुकामी खवातीन के हैं, द ट्रेडिशनलिस्ट ऑफ द फीमेल। तीसरा जो रखा गया है वो प्रिंस ऑफ हुंजा के हैं, द ट्रेडिशनलिस्ट ऑफ द प्रिंस ऑफ हुंजा। और फ्रंट में जो चीज फरमाएगा कि दुनिया के नक्शे है, किले से कोई ताल्लुक नहीं रखते इस गिच में। तीसरा 18th सेंचुरी का है, तीसरा जो है उसके टॉप पर लिखा कि द मैप ऑफ द न्यू के बारे में बात करता है, ये मैप भी ग्रेट गेम को ही शो कर रहा है। प्लीज सर का एहतियात कीजिएगा, इसके लेके सारे दरवाजों में सबसे छोटा दरवाजा है। अगला कमरा उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस है, मजलिस शूरा है, अगर आजकल के लिहाज से देखिए 10 मीटर का पार्लियामेंट हाउस। जब ऐवान मजलिस शूरा हम पहले लेते हैं तो बड़ा सा ग्रुप होता है, तो जिसमें यंग जनरेशन तो वो कमरे के ऐवान मजलिस शूरा में नहीं पता है कि इसको पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, वो दोबारा हमसे क्रॉस कर चेक करिए क्या होता है, मजबूरन पहले सबको पार्लियामेंट की तरफ ही लेके जाते मेट्रोस भी चाहते हैं, कुशन लगाते थे, प्रिंस ऑफ हुंजा भी बिल्कुल गेदरिंग में रहा करते थे। एक टेरेस कारपेट है, 150 साल पुराना कारपेट गिफ्ट फॉर द चाइना,
चाइना के साथ हमारे अच्छे तालुकात रह चुके थे 16th सेंचुरी से। ये पोर्शन जो है टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे बर्तन और स्पेशली रखने के लिए, और मेहमानों के कदमों के नीचे एक लाइट है प्रिंस ऑफ प्रिंस छुपा कर उसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कार्पेट्स बिछा कर रखा करते थे। सामने दरवाजा जो है ये स्टोरेज है जहाँ पे अपना ड्राई फ्रूट बेटा ये 16th to 17th century में। तो मेटल जो लेकर आते थे ये वक्त के साथ कश्मीर, और ये हमारे करीब जो काश्तकार स्काई लाइट के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो पिक्चर्स लेना चाहते हैं मज़े से। अगला जिनने हम लोग खूबसूरत सा डिस्प्लेमर रखे हुए हैं, अलग अलग किस्म के बर्तन हैं, ये मेहमान के लिए जो बर्तन रखे हुए इनमें कुछ ज़्यादातर मेटल के हैं, स्टोन के डेक्चे हैं, गोल सा जो रखा गया है ये तवा रखा हुआ है चपातीस के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे, ये बड़े बड़े बर्तन जो रखे हुए ये हलवा कद्दू के हैं, पम्पकिन से इनको खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए। उनके साथ एक लकड़ी का डब्बा है इसलिए दृश्य है उसमें लस्सी बनाते थे, ऊपर एक खाल है मेरे ख्याल से पंजाब से उसको तो मश कहते हैं, मशकीजा पानी के लिए यूज़ करते हैं या अक्सर इसमें लस्सी भी बनाते हैं। कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी के जूस पे निकले, ये छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है ये जुआदारी है। माउस ट्रैप इज द माउस किचन, रात को दिए जला देते हैं, ये कुछ एक स्पून के ऊपर भी है, एक वहाँ पर भी रखा गया है, दिन को स्काई लाइट। And the second for the ventilation is also open fire होने के नाते क्रॉस ventilation ये लोग लाजमी यूज़ किया करते थे। मेरे साथ एक छोटा सा स्टोर है यहाँ पे गोश्त खुश करके रखा करते थे। पिक्चर्स लेना चाहते हैं मज़े से उसके बाद फिर लेके वो पुराना किला है वहाँ पे ये निज़ाम चला है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं वहाँ पे निज़ाम चला है। उसके बाद जब मॉडर्न शिफ्ट हो गए थे तो किचन एक अलग बना के वहाँ से जब लेकर आते थे एक मिनिस्टर प्रॉपरली पुलिस खाना को चेक करके प्रिंस ऑफ उल्जा को सर्व किया करते थे। ये जगह जो है यहाँ पर प्रिंस ऑफ उल्जा मौसम के लिहाज से दरबार लगाए करते थे, हम लोग प्रिंस ऑफ उल्जा बैठते थे बाहर इनके दरबार ही बैठते थे। डिपेंड ऑन वेदर, मौसम यहाँ पर कुछ ज़्यादा गर्मी हो बारिश हो बर्फबारी हो यहाँ से आगे चले जाते थे। इस किले का हाफ पोर्शन टूर हमारे पास बाकी है तो वो भी आपको दिखाएंगे। दरमियान में जो सीन रखे हुए हैं वो हमारे कौमी जानवर के हैं मारकोर के हैं, दो जो साइड पर रखे हुए ये दो आइबेक्स हैं, इस फ्रॉम द हिमालयन आइबेक्स, और सामने पोलोस्टिक्स एंड बॉल गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सा गेम लोग ज़्यादा पसंद करते थे। सुंदर वहाँ पर स्कूल के लिए जगह दे दिया, लोगों को रहने की जगह देने के बाद ग्राउंड कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका। बाकी उससे पहले हिंदे में सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड यही रखे रॉयल फैमिली जहाँ से पोलो भी इंजॉय किया जाता था। इस टाइम आप मेहमान कराकुरम जो है ये सिलसिला कराकुरम है, और इनमें कुछ माउंटेन्स हैं राका पोशी है, दूसरे साइड पर दीरान पीक है, आगे चले जाते तो वहाँ पे स्पांटिक और गोल्डन पीक है, बल्क ऑन एनुअल टैटू यहाँ से न्यू पर शिफ्ट हो गए थे। के सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है हाफ वाइट ब्लैक ग्लासेस विंडोज हुंजा दरबार होटल रॉयल फैमिली के नीचे एक कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो सरीला है उसके ऊपर सात वाला है, उसके बैक साइड उनका पैलेस है यहाँ से न्यू पैलेस शिफ्ट हो गए थे। थोड़ा सा फ्री टाइम रेनोवेशन के बाद फैसला लेते इसको चेंज के लेकर हम सब पिक्चर गया उस पर यहाँ पर दो किस्म के पिक्चर से एक सर पे हुंजा के हुक्मरानों की है जिन्होंने हुंजा के पर हुक्मरानी की है। पहला पिक्चर रियल नहीं ये ख्याली तस्वीर है क्योंकि पिक्चर्स में उसे फाइनल विक्रम के पोर्ट्रेट पिक्चर। इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद ब्रिटिश आने के बाद चाइना चले गए वापस नहीं आए। इनके छोटे भाई हुंजा में रहते साल बाद ब्रिटिश ने छोटे भाई को दोबारा पावर्स में रखा। इनका बेटा मेन शिफ्ट हो गए थे अभी ये करंट प्रिंस ऑफ हुंजा है एक्स गवर्नर ऑफ किर्गिस्तान। किला इनके बनाते हैं पब्लिक के नाम पे डोनेट कर चुके हैं। इनकी वाइफ और उनका साहिबजादा ये तीनों हयात है, तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के एक्स में बस रखे हुए। हुंजा रियासत होने के नाते कुछ टाइप के झंडे इस्तेमाल करते हैं, तीर कमान बहादुरी के निशान चांद तारस फॉर द मुस्लिम सैंडल। ऊपर एक प्यारा सा शीप है मार्को पोलो शीप है, मार्को पोलो के इटालियन थे जिन्होंने अपने नाम दिए गए खूबसूरत सा कमान।
के ऊपर बिछा कर रखते थे मसनद के जगह पे ओरिजिनल यही है जो जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे 3 नवंबर 1947 को ये उसी लेटर का कॉपी डिस्प्ले मिल के आपने समझते इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पिक्चर ले लें आपको डिटेल में फॉर्म ये दिखा भी 1915 से 1930 में ब्रिटिश यहाँ पे कुछ बालकोनी फर्नीचर की बात करें ये भी मेरे रोड के है और टेलीफोन है 1930 के पहला पिक्चर में छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा क्रन प्रिंस ऑफ उन्जा है एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्सन अपने वालिद के हमरा है दरमियान के पिक्चर में इनका वालिद है इनके मोहतरम वालिद और उनकी सिस्टर प्रिंसेस ऑफ उन्जा जो मेहमान आलतीत भी देखे हुए हैं सर ये किला आलतीत में पिक्चर ले हुए किसी फेस्टिवल टाइम पे लास्ट इनके मोहतरम वालिद के किसी हाथ से पेंट के पिक्चर है रानी साहिबा सन 2006 में इंतकाल कर चुकी है 103 साल का समर आप देखा है वो खूबसूरत से खिड़कियों से भरा हुआ एक कमरा है विंटर में कोई खिड़की नहीं है आग लगाने के बजाय दो दरवाजों के भी बंद कर दिए कमरा लंबी अरसे तक अपने गर्माइश बरकरार है सो विंटर में हीट और ये छोटा सा जो बॉक्स रखे हुए हैं ये जेवरात रखने के लिए फ्रॉम द ज्वेलरी बॉक्स आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोग इसी टाइप के झूले इस्तेमाल करते हैं कुरान पाक है कुरान मजीद है जो हाथ के लिखे कलमे उसके 18 दूसरा जो रखा हुआ है ये 17th century के कलम नुस्खे हैं बड़े बड़े बर्तन जो है स्पेशली सूप या उबाले के जूस पे निकलने के पास बर्तन कम होता है तो फैमिली इकट्ठे एक ही बर्तन में साथ खाना खा रहे थे सर के एहतियात पर दरबार है इंटीरियर सब में हो छत पे कोई ज़्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो यहाँ पर आके दरबार लगाते कमरे को हवादार मौसम ख़राब होने के बाद इसको कवर की सहायता हम टेंट से कवर करते पुराने ज़माने में वुडन पैनल्स लगा के इसको कवर करते थे ये वेपन्स है एज फ्रॉम द रशियन वेपन्स द पार्ट ऑफ द ग्रेट डेन रशियंस अपने साथ वेपन्स लेकर आते अपने से कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिसके ऊपर लिखे भी हैं और ये प्यारा सा कारपेट है 200 साल पुराना कारपेट गिफ्ट फॉर द चाइना मेहमान बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ये यहाँ से इसका एग्जिट है ये छोटी सी खिड़की जो कि बाहर के लिए है फिर